वक्त मौसम बहुत ही कमाल हो रहा है। इस टाइम गाड़ी इधर ही खड़ी हुई थी हमारी यहाँ पे, तो मैंने अभी साइड पे जो रात में गाड़ी खड़ी थी तो वो बाहर ही खड़ी हुई थी, वो मैंने साइड में थी पानी सा आधी टूट के नीचे गिर गई है वहाँ पे, वो मैंने साइड पे की है। बहुत ही तेज में रिस्टर्ब चल रही है, तो कोशिश आप भी करें जब ऐसा मौसम होते तरह के नीचे गाड़ी ना खड़ी करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस वक्त तो चीज नीचे गिर जाए गाड़ी के ऊपर। इस वजह से जहाँ खड़ी हुई गाड़ी मैंने इसको साइड पर की है, अभी उसका आधी पानी ऊपर गिर गया, वो देख सकते हैं आप। अगर इस तरफ गिरती तो मैं सीधा गाड़ी के ऊपर गिरनी थी, तो ये नेचर है, इससे कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए आप लोग एहतियात करें। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं अपना सफ़र शुरू करने लगा था सियालकोट के लिए, तो इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं, गर्मी काफ़ी लग रही है, देख सकते हैं आप पसीना आया हुआ है। तो बस हम निकलने लगे, 10 बजे सिक्योरिटी ने निकलना है फैक्ट्री गेट से, उसी के साथ हमने जाना है क्योंकि हम सिक्योरिटी के बगैर नहीं जा सकते, ये रास्ता बहुत डेंजरस है। तो निकलते हैं, आपको इंशाल्लाह रास्ते में बताते रहेंगे। सदाकल्ला इस वक्त हम गेट के पास रुके हुए हैं बाहर, ये देख सकते हैं आप, ये सिक्योरिटी खड़ी है, हमने इसी के साथ जाना, इसके बगैर हम नहीं ट्रैवल कर सकते इस रोड पे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपको फैक्ट्री का भी विज़िट करवाऊँगा। अब टाइम शॉर्ट था जिसकी वजह से मैं फैक्ट्री का आपको विज़िट नहीं करवा सका। तो अब फाइनली हम निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, आगे आगे सिक्योरिटी जा रही है, उसके पीछे हम हैं, तो ऐसे ही पूरा कॉन्वे जा रहा है, आगे भी हमारी सिक्योरिटी है और पीछे भी हमारी सिक्योरिटी है। तो अल्लाह हमें हर हरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए। ये रेंजर्स भी घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप, पहले इस रोड पे इतना मसला नहीं था होता, लेकिन अब आगे ज़्यादा चोरियाँ होने लग पड़ी थी जिसकी वजह से ये अब रेंजर्स वगैरह भी इधर घूमते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। पेट्रोल इधर से फुल करवा लेते हैं, तकरीबन 5000 तक पेट्रोल टैंक फुल हो जाएगा, फिर मोटरवे पर तकरीबन 100 किलोमीटर तक आपको कोई पम्प नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ही फुल करवा लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम सियालकोट तक पहुँच जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दे कौन कौन सा ये साथ है और वो वाला ये करो
ये कितने का? ये 800 से 700। ये दे दें एक कर। मुल्ताना एक सोन हलवा ना लें, ये दुनिया हो सकता तो सोन हलवा लाजमी है, यहाँ का मशहूर है सोन हलवा मुल्तान का, तो वो हमने ले लिया। अब निकल गए यहाँ से, मैंने सोन हलवा का पता किया, यहाँ से 1200 रुपये का मिल रहा है, जो मैं मुल्तान से लेके आया वो तकरीबन 860 रुपये का। तो आप भी जब मुल्तान आए तो कोशिश करें कि आप सोन हलवा मुल्तान सिटी के अंदर से लें, क्योंकि अगर आप मोटरवे से लेंगे तो वो आपको 30-40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सोन हलवा के। स्पोर्ट से मोटरवे दो हो जाती हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये जो है ये फैसलाबाद की तरफ जा रही है मोटरवे M4। इस वक्त जिस मोटरवे पे हम आई, M3 है, ये लाहौर की तरफ जा रही है, और जो फैसलाबाद वाली मोटरवे वो जाके M2 पे उतरती है इस्लामाबाद। ये भी M2 पे उतरती है लेकिन ये लाहौर उतरती है, वो M2 जो वो पिंडी भट्टियाँ उतरती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Finally, मैं पहुंच चुका हूँ घर। इस वक्त 5 बज रहे हैं, काफ़ी थक चुका हूँ, अब नाश्ता वगैरह करने लगा हूँ। आई होप आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके थोड़ी सी वॉक करके तो फिर सो जाएंगे। गुड नाइट।